राजधानी दिल्ली में 10 महीनों से सिविल डिफेंस कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने आज राजधानी दिल्ली के राजघाट पावर हाउस के पास मूसलाधार बारिश में जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने दिल्ली सरकार और एलजी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि हम लोग 10 महीने से परेशान हैं, हमें ना तो सैलरी मिली है और ना ही नौकरी पर रखा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने हमसे एक महीने का वादा किया था कि आप लोग एक महीने रुक जाइए, लेकिन एक महीना पूरा होने के बाद भी हमें लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। इसी बीच एलजी को भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन वहाँ से भी सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला है। आज बारिश के बीच ये प्रदर्शन उस सरकार के खिलाफ है जो सरकार हमारी सुन नहीं पाती है और दिल्ली सरकार और एलजी के खिलाफ लगातार नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी यात्रा निकाली। और इसी बीच दिल्ली पुलिस के डीसीपी और एसएचओ के साथ लगातार बहस हुई और पुलिस प्रशासन ने एफआईआर करने की धमकी भी दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें प्रशासन और सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं की बहस चल रही है और वह लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि 10 महीने से हम परेशान हैं, हमारा परिवार परेशान है, इसलिए हम मजबूरी में प्रदर्शन को उतरे हुए हैं। और एलजी के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी की और आने वाले वक्त में हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियों को उठाना पड़ेगा। क्या मांग कर रहे हैं सर? 10 महीने से हम प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक हमारा जो है किसे कुछ भी कहानी समझ में नहीं आई। दिल्ली सरकार ने हमें निकाला नहीं है, उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला, एक महीने के लिए वेट करने के लिए, और आज 10 महीने हो गया। अब बताइए 10 महीने हम घर में बैठेंगे तो कब तक वेट करेंगे? दिल्ली सरकार ने हमें निकाला है, हमें कोई नोटिस नहीं दिया और अभी तक हम 10 महीने बैठा, हमें अभी 10 महीने की सैलरी भी नहीं दी। हम कैसे घर चला रहे, कितने लाचार मजबूर हो गए, कर्जदार हो गए और कब तक हम ये कर्ज झेलेंगे? दिल्ली सरकार आने वाली विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है, इधर केंद्र और बीजेपी भी लग चुकी है, क्या लगता है चुनाव में बहिष्कार करेंगे आप लोग? चुनाव में तो बहुत बड़ा बहिष्कार होगा सर, हम अब उस सरकार को कभी नहीं चुनेंगे जो दिल्ली की जनता लाचार मजबूर हो गई है और उनकी सैलरी दिहाड़ी भी खत्म कर दी है। अच्छा, आप लोगों का नुकसान कितना हो रहा है 10 महीने से, कैसे परिवार चला रहे हैं आप? बहुत मुश्किल से बहुत गुजारा हो रहा है सर, बहुत समझ लीजिए कि मरमर के जी रहे हम लोग। अच्छा, घर परिवार के। मेरा नाम सुशील बारेश्वरी है और मैं आप लोगों के बीच का साथी हूँ। सुशील जी, मैं आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बारिश में आपने बहुत छोटे से नोट आप पीरियड में निकल के आए और दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर और मार्शल्स हैं, इनकी बातों को आप सुनने के लिए आप यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आप अपना सवाल कर सकते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इतने दिनों से सिविल डिफेंस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं और आज बारिश के मौसम में चिल्ला चिल्ला के रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के किसी नुमाइंदे की कानून तक जू नहीं रह रही है, क्या मानते हैं आप और आपको किस तरीके से समर्थन रहेगा? देखिए, ये पिछले 10 महीने से लगातार इसी स्थान पे बैठते हैं और लगातार जो है सरकार को घेरने का काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, जब जब इनकी तनख्वाह भी रुकी, इन्होंने प्रोटेस्ट किए, अपनी मांगों को रखा और जब इनको नौकरी से 10,000 लोगों को निकाल दिया गया। सरकार की जो मंशा है, जो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, वो सही नहीं है, क्योंकि अगर सरकार चाहती, कोई भी सरकार अगर चाहती तो इनको कहीं ना कहीं इनको फिट कर देती। दिल्ली सरकार के पास आज 1,069 सरकारी स्कूल हैं और अस्पतालों की बात करूं तो तमाम बहुत सारे दिल्ली के अपने सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर प्राइवेटेशन है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वहां पर रखा हुआ है सर गवर्नमेंट ने, लेकिन अगर वो चाहती तो इन तमाम भाइयों को वहां पर मूव कर सकती थी, वहां रख सकती थी, लेकिन इनको नहीं रखा। सरकार की नीयत नहीं है इनको नौकरी देने की, इसीलिए यहां पर इतने दिनों से महीनों से बैठे हुए ये लोग जो परेशान हैं, इनके साथ परिवार पूरे हैं, आज इनकी मांगों को लेकर जो हमें लगा कि कोई भी नहीं सुन रहा है, हमें लगता है कि सरकार को हमें घेरना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार का विरोध वो नहीं करते पक्षपात, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, बात है इनके रोजगार की, इनके परिवार की। अगर इनको रोजगार देने में जो सरकार आगे आएगी ठीक है, नहीं आती तो हम सबका विरोध करेंगे। ठीक, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, विरोध होगा अच्छे से तमाम सरकार? बिल्कुल होगा, विरोध होगा, अगर रोजगार नहीं तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। अभी सर, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है और पिछले 27/10/2023 से हमारी लड़ाई संघर्ष जारी है। 31/10/2023 को हम सभी सिविल डिफेंस के महिला पुरुष जवान दिल्ली सरकार के 40 विभागों में कार्यरत थे, अचानक 31/10/2023 को इन्होंने हमें बेरोजगार कर दिया और जब से बेरोजगार हम हुए हैं तब से रोजगार संबंधित सभी बातों को लेके एलजी साहब के पास, दिल्ली सरकार के पास हम जा रहे हैं।
हैं। दिल्ली सरकार ने एक रेजुलेशन पास करके दिया एलजी साहब को, उस पर भी एलजी साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम उनसे उसके भी उस विषय में मिलने गए कि इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो इसके अलावा और हमारे लिए क्या आप कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम आरआर चेंज कर रहे हैं। और वो आरआर जो चेंज कर रहे हैं वो सिविल डिफेंस का उससे कोई लेना देना नहीं, वो होमगार्ड के लिए है, तो वो आने वाले जनरेशन के लिए होगा। लेकिन हम तो उन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन 10,000 लोगों को इन्होंने बेरोजगार किया, उनको रोजगार कब देंगे? कब से बेरोजगार हैं, कितने महीने आप हो गए हैं, दिल्ली सरकार का क्या कहना है, एलजी का क्या कहना है इस मुद्दे पर? ये 10वां महीना चल रहा है सर, और दिल्ली सरकार कहती है हम आपके साथ हैं, एलजी साहब भी कहते हैं आपको रोजगार मिलना चाहिए, चुने हुए सभी एमपी एमएलए और प्रतिनिधि के पास हम जा चुके हैं, कोई हमारे रोजगार देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं तो सिर्फ आश्वासन, हमें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। अब क्या कारण है या तो वही बता पाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सिविल डिफेंस ये कहती है कि आप आपदा में काम कर सकते हो और आपदा में काम करने के लिए आपको बनाया गया है, आप पेड ड्यूटियां नहीं कर सकते हो। तो पेड ड्यूटी हम 10 साल से जब हम कर रहे हैं तब कहां थे एलजी साहब, और इनसे पहले जो एलजी साहब थे उन्होंने मंजूरी दिया इसको, और आज 10 साल के बाद इनको याद आया कि ये काम पेड नहीं कर सकते हैं, इमरजेंसी में कर सकते हैं। तो अभी कई प्रकार का जो ड्यूटियां इन्होंने हमसे लिए वो भी इमरजेंसी नहीं था, और तमाम तरीके का हम ड्यूटी दिल्ली में दिया करते हैं जो विदाउट इमरजेंसी होता है। बारिश के मौसम में चिल्ला के रोजगार आप मांग रहे हैं, सरकार तक किसी सरकार की जो प्रतिनिधि है वो आस पास ही है, थोड़ी दूर पर आपका सचिवालय है और यहाँ तक संसद है, फिर भी आपकी मांग पूरी क्यों नहीं हुई है, कारण क्या है, वजह क्या है? सर, बारिश हमें तो भिगा सकती है लेकिन हमारे हौसले को नहीं भिगा सकती है, और ऐसे तमाम कई बारिश हमने झेला है, आंधी तूफान सर्दी बरसात सब हमने सड़क पे झेला है, और ये संघर्ष हमारा तब तक चालू रहेगा जब तक ये रोजगार हमें सुनिश्चित ना कर दें। और नहीं, एक इंसाफ अगर नहीं मिला तो ये भारत का जो चुनी हुई सरकार है, जिस तरीके से दिल्ली में ड्रामा चल रहा है, जो देश की राजधानी है, ये कलंकित होगा और ये शर्मसार करने वाली बात है। ये 10,000 परिवार का सवाल है, महिला पुरुष जवान सब यहाँ सड़क पे 10 महीने से लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनको जगाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आगे कुछ और होता है, कई हमारे जवान बीच में रहे नहीं, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान जा नहीं रहा, सब अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भुगतना पड़ेगा। सड़क पर अगर वो आएंगे तो हमें भी सड़क पर आना पड़ेगा, और मजबूर हम हो जाएंगे तो फिर उन्हें भी भुगतना पड़ेगा कि किस तरीके से राजनीति होती है। जय हिंद। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।